दोस्तों हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हमारे स्टूडियो में आए हैं एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर टू बिग रीजंस। एक तो बहुत कम बार आपने इन्हें टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए देखा होगा एंड सेकेंडली मोर इंपॉर्टेंटली वो इस वक्त आए जब उन्हें पैसे गिनने से फुर्सत ही नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज वेलकम द फादर ऑफ सलमान खान एंड अ राइटर इन हिज ओन राइट The one half of Salim Javed, Mr. Salim Khan. Salim Saab, welcome to ETC Bollywood Business. Thank you very much. Thank you because paise ginne se fursat nikali aapne aur yahan aaye. I think you must be only counting notes these days. Main kya hai ki main jata hoon, magar jahan aisa lagta hai ki meri zarurat hai ya koi bahut purane taluqat ya rishta ho, jaise ki aapke saath hai. Maine apna as an actor career shuru kiya tha. आप लोगों के साथ, आपके फादर के साथ, तो ऐसे लोगों से इनकार नहीं होता है. अब आपसे मेरा ताल्लुक, मैंने रामू दादा में काम किया था, आदर जी की पिक्चर थी, आपके फादर उसके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे. तीन पिक्चरों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. जी जी. पहली पिक्चर 2000 में. अच्छा, बतौर हीरो. हाँ, एज अ हीरो. और जयमाला जी जो थी उसमें हीरोइन थी मेरी. और दूसरी पिक्चर 3000 और तीसरी पिक्चर अगर की तो 5000. अच्छा, पैसे आपके फादर देते थे. और आप समझ सकते हैं कि जब 2000 पूरी पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट था तो इंस्टॉलमेंट क्या होता होगा. कभी रामराज जी 100 रुपए देना, कभी रामराज जी 200 रुपए देना, कभी रामराज जी 300, तो 500 से ऊपर तो कभी मिला नहीं, इसलिए कि 1/4 हो जाता हूँ. फिर उन्होंने साइन भी किया आपके फादर ने. साइन भी किया शोले और इसके बाद अच्छे ताल्लुकात आते जाते थे. वो फिर साइन किया और वो किसी वजह से नहीं हो सकी, फिर फिल्म नहीं बन सकी. एंड वो पैसा उन्हें वापस भी किया गया, तो उससे बहुत और भी ताल्लुकात बढ़ जाते हैं. बिकॉज इंडस्ट्री में कोई पैसे लौटाते ही नहीं है. करेक्ट, समझे. बल्कि शक्लें भी भूल जाते हैं. टेलीफोन पे तो आते ही नहीं है. अगर आपने नाम ले दिया कि मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं, शक्लें भूल जाते हैं. अभी पिछले दिनों में एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ. एस रामनाथन जी, उन्होंने सलमान को इनिशियल पीरियड में मैंने प्यार किया के बाद साइन किया. जी जी. और मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए होंगे साइन किया. जी जी. और 5,05,000 रुपए दिए. ओके, समझे आप. यानी ये 1989-90 की बात है. करेक्ट. 5,05,000 रुपए दिए. अब वो कुछ ना कुछ साउथ की पिक्चर लाते रहे, कभी कुछ आइडिया सुनाते रहे, कभी कुछ कहा कि ये पिक्चर देख लो. तो उनके अकाउंट पे मैंने कम से कम, नहीं तो ये समझ लीजिए कि मैं ऑलमोस्ट तमिल सीख गया होता. इतनी मैंने तमिल पिक्चर देखी. फिर वो उसकी भी लाने लगे, सबटाइटल की भी लाने लगे. वो बस यही फिल्में थी जो आई न्यू के क्या नहीं पसंद आएंगी सलमान को, तो वो नहीं हो सका. फिर उनका एक और बहुत कमाल की बात थी कि वो आते थे कोई 2 साल में 3 साल में एक मरतबा. अच्छा. और बीच में वो ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर उनका प्रेशर था, फिर वो भूल जाते थे. Okay. फिर वो कभी उनको याद आती थी 5 साल बाद, तो फिर वो आ जाते थे. Correct. तो अभी आए वो कोई 2 महीने पहले. तो मैंने कहा रामनाथन जी, आपको के पास जब भी अच्छी पिक्चर मिल जाएगी सलमान आपके साथ काम करेगा. नेचुरली जो भी कुछ होगा प्राइस जो है फिल्म की इकोनॉमिक्स है, आप वो जो आपका जो अमानत पड़ी है वो आप ले जाइए. अच्छा. और उसके बावजूद भी वो साइन ले, इसलिए कि आज उसकी अमानत जो आपने दिए थे, आज मतलब ये है कि वो जब भी होगा तो आपसे वापस ले लेंगे. तो कहने जैसा आप ठीक समझें. जब जैसा आप ठीक समझें तो मुझे ऐसा लगा कि जरूरत है. करेक्ट. तो मैं गया, मैंने उनको निकाल के वो 5,05,000 रुपए दिए. तो सब बैठे हुए थे लोग, तो उन्होंने रख लिए वहां पैसे. और जब मैं उनको दरवाजे तक छोड़ने गया तो वो उनका आंखों में आंसू आ गए और उनका चोक हो गया गला. उन्होंने कहा कि मैंने कितने लोगों को साइन किया है मैं जानता हूं और वो जानते हैं, मगर आज तक किसी ने मेरे साथ ये जेस्चर नहीं किया. बल्कि बहुत से लोग तो मेरी शक्ल भूल गए हैं और बहुत से लोग तो टेलीफोन पे भी नहीं आते हैं. माय गॉड. तो ये एक इस घर की एक खुदा का शुक्र है कि ये एक ये है कि कभी किसी का काम नहीं हुआ. एज सलीम जावेद भी या सलमान खान का भी अगर किसी वजह से काम नहीं हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम पे ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी का मुझे पैसा देना नहीं है.
विच इज सो रेयर इन द इंडस्ट्री, कि अगर किसी भी वजह से अगर किसी आदमी ने साइनिंग अमाउंट दिया है, उसका प्रपोजल नहीं बन सका, कुछ कहानी नहीं बन सकी किसी भी वजह से, तो उसका पैसा लौटा दिया है। तो सलमान की जो दरिया दिली है वो मेरे ख्याल से आपसे आई है। सब क्या है कि क्रेडिट बहुत सी चीजों की मिलती नहीं है। वो है नहीं, आई थिंक इट रन्स इन द ब्लड। नहीं, वो देखिए जब सलमान हीरो नहीं भी था जी, जब बना भी नहीं था, तब भी वो घर तो खुला था जी, और उस घर में आना जाना खाना पीना सब ये था जी। जब सलमान स्कूल में था पढ़ता था, तो फादर ने उससे कहा कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर खाना खाने नहीं जा सकते लंच टाइम पे, इसलिए कि वो उनके माँ बाप जो काम करने जाते हैं, दे आर वर्किंग, तो ये कहाँ जाएंगे घर के अंदर, घर तो उनका बंद हो जाता है, या कई मरतबा कोई लेबर को चाबी देके जाते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी अगर एक बच्चे को लेके जाए लंच पे, तो ले जाया करो आप लोग, ये स्कूल के बच्चे हैं। तो सलमान ने पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कोई, सलमान भी खुद स्कूल में थे। हाँ, सलमान स्कूल में था, कोई मेरे ख्याल से छठी या सातवीं क्लास में था, 10-12 वर्ष की उम्र होगी, और स्कूल पास में ही था स्टैनिश वॉस। ओके, तो उसने सलमान ने उठ के सवाल पूछा कि फादर कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 बच्चे हैं। तो सलमान ने कहा आप मेरे साथ भेज दिया करिए 10 के 10, समझे आप, अलग अलग मत भेजिए इनको। तो जिप्सी जाती थी, जिप्सी, और उसमें वो 10 के 10 बच्चे भर के आते थे। हाउ स्वीट, समझे आप, और वो खाना खाने में जो उनका चलते थे, उनकी कॉमेडी और जो उनके किस्से चलते थे, और अरे ये अब वो सब बड़े बड़े हो गए हैं, कोई कहीं कनाडा में है, कोई दुबई में है, कोई उसमें है अपना अलग अलग जगह पे। तो वो घर वैसे हमेशा से खुला घर था, मतलब ये कि एक दो एक साल के लिए मुझे सिक्योरिटी रखना पड़ी, कुछ थ्रेट्स आते थे जो सबको आ रहे थे जी। और इट इज नॉट अ मैटर कि वी आर पैरानॉइड पीपल, बट थिंग्स आर हैपनिंग, यू हैव टू, यस, थिंक दैट अकॉर्डिंग अराउंड कि आज इस पे गोली चली, कल उस पे गोली चली, एंड आई वाज आल्सो अंडर सम सीरियस थ्रेट, तो मैं तो रखना नहीं चाहता था। बच्चों ने कहा कि रखो, इट्स अ डेटरेंट ऑल दैट। तो सिक्योरिटी वाले ने मुझसे आके कहा कि साहब वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा, मेन डोर है। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम अपना बंदोबस्त करो, तुम बाहर बैठते हो, आगे बैठते हो, दरवाजा तो जब तक मैं जागता हूँ वो खुला रहता है। मैं 2 बजे तक 1:30 बजे तक जब तक मैं जागता हूँ वो दरवाजा तो खुला रहता है। तो दरवाजा कभी बंद नहीं किया मैंने, और दिल का दरवाजा भी कभी बंद नहीं किया खान खानदान। दैट्स द वे आई हैव लिव्ड, आई मीन करेक्ट। और उर्दू में भी कहते हैं कि आदमी गरीब अल्लाह रख बनाए, मगर गरीब का मिजाज नहीं दे, गरीब का मिजाज नहीं दे। यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि पैसे भी देने हैं तो आज दें, कल दो, परसों दो, ये। और एक साहब की बात हो रही थी मुझसे, उनके साथ मेरा इत्तेफाक हुआ था काम करने का, तो किसी ने आके मुझसे पूछा कि भाई वो पैसे वैसे देने के मामले में कैसे हैं। तो मैंने कहा कि लोगों का तो चेक बाउंस होता है, उनका कैश बाउंस होता है। उनका तो कैश भी बाउंस हो जाता है। एंड दिस इज जनरली अ रेपुटेशन ऑफ पीपल के पैसा का अगर किसी का देना है करेक्ट, तो निकाल के दे, तो खत्म करो, और उससे थोड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल, मेरी क्या बात, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज द हैप्पीनेस ऑफ गिविंग, एंड यू नो द हैप्पीनेस शोज ऑन योर फेस, योर फेस कीप्स ग्लोइंग। सलीम साहब, आई एम टेलिंग यू दिस। अच्छा, मैं आपको इसमें भी एक इंसिडेंट सुनाता हूं। जी जी जी। व्हेन लिंकन वाज फॉर्मिंग हिज गवर्नमेंट, हिज सेक्रेटरी टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू टेक सो एंड सो मैन इन योर कैबिनेट, एक आदमी का जिक्र किया। करेक्ट। तो लिंकन सेड, वेल आई डोंट लाइक हिज फेस। तो सेक्रेटरी ने कहा कि ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, इन एनी केस ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेस। लिंकन टर्न अराउंड एंड सेड, आफ्टर 40 एवरी मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फेस। ओके, बिकॉज व्हाट यू डू इट शोज़ इन योर फेस। 40 वर्ष तक जो कमीनेपन किए, जो स्कीमों में शामिल हुए हों, जो सब के सब चेहरे पर दिखने लगता है।